सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। तो आजकल जो उत्तर प्रदेश में तीन मुद्दे बड़े गर्म हैं, और लगातार मुद्दों पर राजनीति हो रही है। पहला मुद्दा बुलडोजर, यानी अवैध अतिक्रमणों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो उससे सियासी हलचलें बड़ी तेज चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जा रही हैं। और दूसरा जो मुद्दा है वो है लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के निर्णय के बाद, आदेश के बाद, लगातार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी धर्म स्थल है, वहाँ से स्पीकर और लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसको मानक के अनुसार करने के लिए जो अवैध लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनको सबको उतारा जा रहा है। लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है, लगातार धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस समय चर्चा में है वो है आजम खां। आजम खां जो कभी अपनी राजनीति के चलते चर्चा में थे, उसके बाद जब उन पर मुकदमे दर्ज हुए तब चर्चा में रहे, और अब चर्चा में आ चुके हैं इसलिए क्योंकि अब उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। और आवाज़ भी उठाने वाले कोई दूर नहीं, कोई अलग नहीं, उनके अपने ही भी हैं, और उनके साथ में जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने उनके साथ राजनीति की है, वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि आवाज़ का दौर ये है कि इस्तीफे के दौर के बाद अब चिट्ठी का दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दूँ कि आज बरेली के आला हजरत दरगाह से संबंध रखने वाले ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने दो चिट्ठी लिखी हैं। और दो चिट्ठी किसको लिखी है? एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और दूसरी चिट्ठी लिखी है उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अब आप चूंकि राज्य प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, दोबारा जनता ने आपको मौका दिया है, और आप सहानुभूति दिखाते हुए, एक राजा का फर्ज अदा करते हुए आजम खां के लिए रिहाई का रास्ता दिखाएं, किस तरह से उनकी रिहाई हो सकती है, किस तरह उनकी रिहाई में सहयोग करें, और सहानुभूति की उन्होंने उम्मीद की है। और कहा यह भी है कि अगर आप आजम खां की रिहाई के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ कर सकते तो करिए, इससे जो मुसलमानों के दिल में है वो आपके प्रति सोच में बदलाव भी होगा और आने वाले समय में आपको लाभ भी मिलेगा। तो वहीं उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी है मुलायम सिंह यादव को, उन्होंने कहा है कि ये वही आजम खां हैं जिन्होंने आपको मौलाना मुलायम की उपाधि दी थी, ये वही आजम खां हैं जो आपके लगातार समाजवादी पार्टी में संघर्ष करते रहे, वोट मांगते रहे, और समाजवादी पार्टी के जो एक संस्थापक सदस्यों में एक रहे, यानी बहुत मेहनत की इन्होंने समाजवादी पार्टी को उठाने में। और आज वही आजम खां जेल में है, और मुलायम सिंह यादव समेत तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव चाहें, वो संसद सदस्य हैं, वहाँ भी आंदोलन कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध अच्छे हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने तारीफ की थी, दोबारा प्रधानमंत्री बने भी, और अब उनका कहना यह है कि अगर वो चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर, सिफारिश कर आजम खां की रिहाई को सुनिश्चित करा सकते हैं या रिहाई के लिए रास्ता तलवा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है आजम खां, क्योंकि जिस तरह से रिजवी साहब ने पत्र लिखा है, और पत्र इसलिए अहम है क्योंकि इस समय जो आजम खां की रिहाई का मुद्दा है बड़ा ज्वलंत है, लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को निशाना साध चुके हैं। अगर हम बात करते हैं संभल से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क की, तो उन्होंने भी 12 अप्रैल को सपा पर मुसलमानों के लिए काम ना करने का आरोप लगाया था। तो वहीं अप्रैल में ही आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने कहा कि 2022 में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को एक तरफा वोट दिया, पर अखिलेश यादव ने उनके लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, और अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव केवल एक बार ही आजम खां से मिलने गए, जो गलत बात है, अखिलेश यादव चाहते तो आजम खां के लिए आंदोलन चलाकर उनकी रिहाई को सुनिश्चित करा सकते थे। और उसके बाद इस्तीफों का दौर भी जारी रहा। उसके बाद सुल्तानपुर विधानसभा से सपा सचिव सलमान जावेद राइन, उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव कायरता की तरह काम कर रहे हैं, जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए नहीं लड़ सकता है वो जनता के लिए क्या लड़ेगा। और आज इस्तीफों के बाद चिट्ठी का दौर शुरू हो गया है, और चिट्ठी जो लिखी है वो आला हजरत दरगाह के संबंध रखने वाले और ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव
सार्वजनिक बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा है योगी से, आदित्यनाथ से उन्होंने मांग रखी है और मुलायम सिंह मांग रखी है। चर्चा का विषय है और चर्चा विषय पर बात करने का हमारे साथ मौजूद है रामनिवास जी, प्रवक्ता बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से मयंक यादव अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, प्रसपा से सत्यजीत सिंह अतवारा जी हमारे साथ मौजूद हैं और अंकुर सक्सेना रालोट से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो जो पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो मयंक यादव से रहेगा। मयंक जी, क्या मानते हैं जिस तरह से आज चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी के माध्यम से मुलायम सिंह यादव से गुजारिश की गई है, यानी अब गुजारिश अखिलेश यादव से ना करके मुलायम सिंह यादव से की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप संसद सदस्य हैं, आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती है, उनसे अच्छे संबंध हैं और आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो आजम खां के लिए रिहाई के लिए कुछ प्रयास किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप राज्य प्रमुख होने के साथ संत भी हैं और सहानुभूति से काम करते हुए आजम खां की रिहाई के लिए प्रयास करें। क्या मानते हैं कि अब अखिलेश यादव से अलग अब मुलायम सिंह यादव से गुजारिश की जा रही है और अब उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ से रिहाई के लिए उम्मीद की जा रही है, क्या मानते हैं? उन्होंने अपने स्तर से बहुत ही सराहनीय कार्य किया, माननीय नेताजी को चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं और जो भी लोग माननीय अखिलेश यादव जी पर उंगलियां उठाते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अखिलेश यादव जी ने कहा समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही माननीय आजम खान साहब के साथ है और रहेगी। और बात अगर आती है उत्तर प्रदेश सरकार की, और जो भी लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं कि आजम साहब के लिए समाजवादी पार्टी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, उनके लिए बता दूं, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की बात बता दूं, चिट्ठी लिखी गई, मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय जी ने रिटर्न आज उनको वापस कर दिया। आजम साहब की जमानत को सुनवाई होनी थी, उसमें यूपी सरकार ने अपनी अर्जी दाखिल करके कह दिया कि हमें कुछ नए तथ्य पेश करने हैं, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है अगली डेट 4 मई को सुनवाई होगी। तो अब आजम खान साहब की जो जमानत हो सकती थी उत्तर प्रदेश सरकार के कारण वो जमानत अब नहीं हो पाएगी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, चाचा की बहुत सम्मानित माननीय सदस्य हैं, हम सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, चाचा ने माननीय अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाई, माननीय नेता जी पर उंगली उठाई, भाई चाचा ने भी कई वर्षों तक माननीय आजम खान साहब के साथ राजनीति की, पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, अच्छे और घरेलू संबंध है उन लोगों के, तो भाई वो भी उनका भी एक दल है, वो भी प्रदर्शन कर सकते थे, ठीक है, प्रदर्शन करने से आजम खान साहब बाहर आ जाते, ठीक है, तो वो भाई करते। समाजवादी पार्टी न्यायिक लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में, लगभग कई मामलों में शायद 4 मामले बचे हैं जिनमें अभी जमानत नहीं मिल पाई है, जिनके कारण आजम खान साहब अभी जेल में है। बात आती वही कांग्रेस, इसमें रायता बहुत फैला रही है, कांग्रेस का तो वैसे रायता पूरे देश में फैल चुका है, और जो कांग्रेस रायता पर मयंक भाई, यहाँ पर प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव से अब गुजारिश नहीं की जा रही है, अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की जा रही है और सीधे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से गुजारिश की जा रही है, यानी कि अब अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं रहा लोगों का, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा दिए गए हैं जी, किसका भरोसा? देखिए अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, और मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी है भाई, उनके नेताजी से अच्छे ताल्लुकात होंगे तभी उन्होंने नेताजी को चिट्ठी लिखी है, ठीक है, क्योंकि नेताजी पार्टी के संरक्षक है और संस्थापक है। तो मैं बात कर रहा था जी कांग्रेस के लोगों की, ये लोग भी बहुत इसमें रायता फैला रहे हैं। देखिए रायता फैलाने को भाई आजम साहब पर जो मुकदमे लगे, सबसे ज्यादा मुकदमे किसने लगवाए? कांग्रेस नेता नहीं लगवाए ना, कांग्रेस नेता मुकदमे लाते गए, देते गए सरकार को, पर यार कांग्रेस और भारतीय जनता और अखिलेश यादव जी ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने मुकदमे लिखवाए हैं, जो लोग प्रार्थी हैं उनसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार के दबाव में थे, हम लोग चाहकर भी बैक नहीं हो सकते थे, सरकार के दबाव में हमको माननीय आजम खान साहब पर मुकदमे दर्ज करवाने पड़े।
पर जो चिट्ठी लिखी गई है रिजवी साहब की तरफ से, और चिट्ठी में तो उन्होंने ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि सपा सरकार के समय में जो निर्माण कार्यों में जो कानून बने थे उसके चलते ही आजम खान आज जेल में है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप सही लगाए हैं क्योंकि उनको लगता है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से आजम खान साहब पर कार्रवाइयां कर रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है। देखिए एक ही सरकार में इतने मुकदमे लिख जाना हर किसी के सामने बिल्कुल ये खुली किताब है कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मौलाना साहब आजम खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने चिट्ठी लिखी है या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ये बेहतर भाई जान सकते हैं। फिलहाल उनका दो लोगों को उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी का कितने लोग दबाव में रहेंगे, संभल सांसद भी दबाव में थे, फसाद अली भी दबाव में थे, उसके बाद आपके सुल्तानपुर विधानसभा से सपा पार्टी सचिव सलमान जावेद रायन भी दबाव में थे, और अब रिजवी साहब भी दबाव में आ गए, कितने लोग दबाव में रहेंगे महंगे भाई, सभी बीजेपी के दबाव में। रिजवी साहब ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उनकी एक चिट्ठी का जवाब आ गया है, यूपी सरकार ने उनकी चिट्ठी का जवाब दे दिया है। आजम खान साहब की जो जमानत हो सकती थी वो नए तथ्य पेश करने का समय मांगकर आजम खान साहब की जमानत की रिहाई की तारीख उन्होंने बढ़ा दी है मुख्यमंत्री महोदय ने या यूपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए और आरोप लगाने से तो आरोप आप कहीं से भी उठा के लगा दें, भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय आजम साहब को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग न्यायिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है। चलिए रामनिवास जी हमारे साथ बीजेपी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी क्या मानते हैं जिस तरह से मयंक जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी जो जमानत हो सकती थी उसको खारिज करवा दिया है, अब 4 मई को यहाँ पर सुनवाई होनी है और बीजेपी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, अगर चाहती तो कुछ सहानुभूति दिखा सकती थी। सर खारिज नहीं, एक रिट दाखिल किया उसमें कुछ तथ्य पेश करने उसके लिए कहा है, अपराधी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार थी वो अपराधियों की सरकार थी और यही कारण रहा कि लगातार इन लोगों ने अपराध किया। और आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है तो जाहिर सी बात है अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई नेता हो, चाहे आम अपराधी हो, चाहे कोई माफिया हो, वो कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई उस पर होती रहेगी। रही बात समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं के द्वारा मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखना और योगी जी को चिट्ठी लिखना, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी अखिलेश जी को नकार दिया, उनको हल्के में ले रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता भी जान रहे हैं कि अखिलेश जी कोई हैसियत नहीं है, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं। पर रामनिवास जी ये तो उन लोगों ने योगी जी को और नेताजी को पत्र लिखा है, उनको पता है कि अगर ये लोग चाहेंगे तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन ये भूल रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यही सारे लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। अब ऐसे लोगों पर यानी योगी जी कोई भी सहानुभूति नहीं रखने वाले हैं, इन पर जो भी कार्रवाइयां चल रही वो चलती रहेगी। पर रामनिवास जी मयंक यादव तो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के जो है दबाव में पत्र लिखा है उन्होंने। नहीं वो तो समाजवादी पार्टी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जमीनों पर अवैध निर्माण हुए पहले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया हम लोगों ने, अब उन्हीं कहने पर हटा रहे हैं, ये तो इनका आरोप है क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है जिसे रखने का या बात रखने का, ये तो सीधा रटा रटाया शब्द है जिसे अखिलेश जी कहते हैं कि किसी अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई हमारी सरकार करती है, कहते हैं ये तो सरकार की इशारे पर पहले हुआ था आज कार्रवाई हो रही है। बहुत क्लियर है कि न हमारी सरकार किसी अपराधी का साथ देती है न संरक्षण देती है, अपराधी को अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार करती है, उसको उसी रास्ते पर ले जाने काम करती है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है सरकारी जमीनों पर, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, ऐसे लोगों से योगी जी कोई रियायत नहीं करने वाले हैं, उन पे कार्रवाई लगातार होती रहेंगी। चलिए हमारे साथ प्रसपा से सत्यजी अटवारा जी हैं, मौजूद हैं। सत्यजीत जी आपने देखा मयंक यादव ने शिवपाल सिंह यादव पर भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा वो भी राजनीति कर रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनको भी अपना देखना चाहिए किस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के पाले में जाकर। सत्यजीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है, मयंक जी के आरोप को क्या जवाब देंगे? सौरभ जी आवाज आ रही है जी। दरअसल दिक्कत इनकी नहीं है जी, दिक्कत पूरे समाजवादी पार्टी की है जी। समाजवादी पार्टी वहां भूमि में फंसी है जी। वो कहां जाए, किधर जाए, क्या करे, क्या ना करे,
एक तरफ बगावत के सुर उभर रहे हैं, हसीकुर रहमान गर्ज से लेकर के जी, आजम खान से लेकर के तमाम नाम अभी आपने गिनाए जी, तो ये सब क्यों आखिर छोड़ते चले जा रहे हैं जी? राष्ट्रीय नेतृत्व को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव 224 सीट 2012 में छोड़ के गए थे, 20-10 साल 2022 में 111 पे सिमट जाते हैं। आत्ममंथन करने की जरूरत है इसको, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जैसे वरिष्ठ लोगों को, और वरिष्ठ शब्द नहीं कहूंगा, अनुभवी कहूंगा, अनुभवी लोगों को क्या वजह है कि तवज्जो नहीं दी जाती? सवाल सिर्फ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का नहीं है, सवाल उन सभी वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का है जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो जनता के संघर्ष में और 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो तब से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ चलने का काम किया। उस पार्टी की स्थिति याद है सौरभ जी, कि वो पार्टी जो है विचार ही नहीं कर पा रही कि हम किस समाजवाद की धारा को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने तो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे जो वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी चली थी, उनको ही भुला दिया। तो अब आप बताइए कि आरोप कौन सा आरोप लगाएंगे? अच्छा एक चीज बताइए सर, क्या आपको नहीं लगता है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव से पहले कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी कि विपक्ष मजबूत रहे और समाजवादी गठबंधन की सरकार आए? क्या आपको नहीं लगता कि एक सीट पर इतनी बड़ी पार्टी 75 जिलों में जिन्होंने अपना संगठन खड़ा कर लिया हो, हर जिले में हमारे मार्ग पर लोग से लड़ने के लिए, लेकिन नहीं दिया सम्मान, उस पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं? तो अब तो मयंक यादव जी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव कल बोले थे मैनपुरी में कि आजम खान को जल्द ही रिहा करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं और तमाम जो है प्रयास किए गए, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि शिवपाल सिंह यादव जो भाजपा के संपर्क में है तो जल्दी भाजपा उनको बुला क्यों नहीं रही, जल्दी भाजपा के साथ चले जाएं, उन्होंने ये भी बयान दिया कल मैनपुरी में। सौरभ जी, आज ये आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए कह रहे हैं कि जल्दी चले जाएं, और आप फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुश्किल से कुछ दिन और बीतने दीजिए, ये आजम खान के लिए भी कहेंगे कि क्यों देर कर रहे हैं, क्यों रुके हुए हैं। आजम खान तो पहले न्योता दिया जा चुका है, असदुद्दीन ओवैसी भी न्योता दिए उनको। एक मिनट का समय ले लेते हैं सर, सवाल केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर है। आदरणीय, देखिए एक चीज और बताइए सौरभ जी, लोगों को जोड़ने से संगठन चलता है कि लोगों को तोड़ने से संगठन चलता है? हमें तो लगता है जोड़ने से चलता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जोड़ने की कला में क्यों नहीं माहिर है? वो अनुभवी लोगों को क्यों नहीं लेकर के राजनीतिक बड़ा संगठन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं? खत्म हो चुकी है, चलिए हमारे साथ अगर नहीं है जी, हमारे साथ रालोर से अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, जैन चौधरी जी गए और अब्दुल्ला आजम से और तंजीम फातिमा जी से मुलाकात की उन्होंने, क्या मानते थे मुलाकात को? ये मुलाकात सपा गठबंधन की मुलाकात थी या रालोर की मुलाकात थी या शिष्टाचार मुलाकात थी, किस श्रेणी की मुलाकात को कहेंगे आप? देखिए गौरव जी, आपने स्वयं सवाल का जवाब दे दिया है और इसमें बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात थी। उनका रामपुर में एक कार्यक्रम लगा हुआ था, उस कार्यक्रम में वो भागीदारी करने गए थे और जब रामपुर की धरती पर वो पहुंचे तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल का अगर मुखिया है तो माननीय आजम खान साहब का जो प्रोटोकॉल है, जो कद है विपक्ष में, निस्संदेह उनका कद बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जब रामपुर, वो भी उनका गृह जनपद है, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी वहां पर गए तो एक शिष्टाचार भेंट के रूप में उनसे मुलाकात की गई। तो ये सपा गठबंधन की भेंट नहीं थी, ये शिष्टाचार भेंट थी? जी बिल्कुल नहीं थी, जी बिल्कुल शिष्टाचार। पर ये बताइए, जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, और अब आज रिजवी साहब ने चिट्ठी लिखी है, योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी है और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी के मायने क्या है? पहले आरोप, उसके बाद इस्तीफे का दौर और अब चिट्ठी का दौर शुरू हो गया है, क्या मानते हैं कि अब आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी में क्षमता नहीं रही लड़ने की, तो अब सीधे योगी आदित्यनाथ से बात की जा रही है और मुलायम सिंह यादव से भी कहा जा रहा है कि अगर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है तो आप भी उनसे गुजारिश कर सकते हैं, यानी कुल मिला के अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ देखा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है, क्या मानते हैं?
देखिए गौरव जी, इसको आप दो रूपों में देख सकते हैं, इस लेटर के दो मायने निकलते हैं। पहला मायना ये निकलता है कि अगर आपके बरेली के मौलाना साहब ने, गद्दी नशीन साहब ने कोई लेटर भेजा है, तो एज अ स्टेट हेड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की 22 से 23, 24 जो भी करोड़ जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने कोई डिमांड की है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, तो उसमें कोई भी चीज गलत नहीं। दूसरा आप इस रूप में देख सकते हैं कि अगर उनके द्वारा माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को कोई लेटर भेजा गया है, वो विपक्ष के बड़े नेता है, तो आप देखिए एक लेटर सत्ता पक्ष की तरफ भेजा गया, एक विपक्ष की तरफ भेजा गया, लेकिन उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि माननीय आजम खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, अगर उनमें कोई साफ-सुथरी कोई सच्चाई या नहीं है, या प्रशासनिक मशीनरी के अधिकारियों के द्वारा कोई दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो होती है, सरकार जब आपकी सरकार रिपीट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, सरकार रिपीट होने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो सरकार का खास बनने के लिए कहीं ना कहीं बड़े नेताओं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र, उसी अधिकार के अंतर्गत अगर गद्दी आपने सत्ता पक्ष विपक्ष की बात की, तो सत्ता पक्ष में तो योगी सरकार है और विपक्ष में इस समय तो सपा सरकार, सपा गठबंधन है, तो सपा गठबंधन तो एक लेटर, सपा गठबंधन एक लेटर उन्होंने माननीय, तभी एक लेटर उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भेजा और एक लेटर उन्होंने माननीय तो ये लेटर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री को दिया, ये लेटर अखिलेश यादव को भेज सकते थे। इसका इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय देंगे, लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी है संस्थापक सदस्य माननीय मुलायम सिंह यादव समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी संरक्षक है समाजवादी पार्टी के, इसके साथ साथ आजम खान साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव एक अच्छे मित्रों की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें माननीय संरक्षक की हैसियत से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लेटर भेजा, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को तो लेटर भेजा गया है। आरोप भी लगाया उन्होंने लेटर के साथ साथ, उन्होंने ये भी कहा है कि अब आजम खान के लिए वो चाहे तो संसद सदस्य हैं, वहाँ पर आंदोलन चला सकते, धरना दे सकते हैं, पर अब तक मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने आरोप भी लगाया है। मयंक यादव जी क्या मानते हैं? गौरव जी आप इसको आरोप कह सकते हैं, हम लोग इसको व्यथा कह सकते हैं, हम लोग इसको पीड़ा कह सकते हैं, ये तो हम लोगों के शाब्दिक निर्वचन पे निर्भर करता है कि हम लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं। पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ना लगातार, सतपाल सिंह यादव की बात करें, आजम खान की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। और आज जो चिट्ठी वायरल हुई है, चिट्ठी जो दी गई है और चिट्ठी भेजी गई है योगी आदित्यनाथ को और मुलायम सिंह यादव को, मयंक जी क्या मानते हैं? रालोद प्रवक्ता का कहना है कि ये मयंक जी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, मुलायम सिंह यादव क्यों लिखी गई? अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो मौलाना साहब ही दे सकते, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाले तो वही है। हमसे पूछकर तो मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी नहीं थी, मौलाना साहब ने दो लोगों को चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नेता जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका रिप्लाई कहा कि हमें कुछ तथ्य पेश करने हैं, यूपी सरकार ने आजम साहब की जमानत होने से रोक लिया। अच्छा। अब मैं बात बता दूं, प्रवक्ता महोदय प्रस्ताव के कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, मनगढ़ंत इनके मन में जो आ रहा था, मैं बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने सम्मान नहीं दिया, देखिए पूरा सम्मान दिया, ठीक है, आप आए चुनाव लड़े, मयंक जी एक सीट का सम्मान दिया, एक सीट के समान, तो भाई एक सीट के लायक थे, एक सीट दी गई, बाकी उनके दल में कोई ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था जिसको चुनाव दी, जिसको टिकट दिया जाए। पिछली बार इनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी, एक बार इनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी है, उसके वोट काउंट आप कर लीजिएगा, उसके बाद माननीय प्रवक्ता महोदय से कहूंगा अपनी जो लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े, वोट परसेंटेज ले आएंगे कि अगर इनकी जमानत बची हो तो ये आ जाए अपनी दावेदारी साबित करने। मैं उसके बाद आऊंगा माननीय भाजपा प्रवक्ता महोदय पे, भाजपा प्रवक्ता महोदय, अरे आपका समय आएगा बोल लीजिएगा, माननीय जवाब लेते आपका समय आएगा बोल लीजिएगा, बोलिए। मैं भाजपा प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जमीनों पे कब्जे भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के लोग करते थे, मैं इनसे जवाब चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की सजातीय विधायिका बलिया की
मालदीव विधानसभा से जो विधायिका है वो जाती है तहसील में, तहसीलदार को टाइट करती है, कहती है कि तुम हमारे बिना आदेश कैसे गए, जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम तहसील में ही रहोगे। और उनका एक गुर्गा बगल में बैठा होता है, गुर्गा तो उनको माँ बहन के कीर्तन सुनाने लगता है। तहसीलदार महोदय कहता है उस लेखपाल को बुलाओ, लेखपाल को माँ बहन के कीर्तन सुनाकर बुलाने के लिए आग्रह करता है। ठीक है, ये इनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा घिनौना, वो वीडियोस आप देखिएगा, शायद आपके पास हो भी, आप सभी लोगों के पास हो, खुलेआम गाली दे रहा है माननीय विधायिका के मौजूदगी में, उनका गुर्गा गाली दे रहा है तहसीलदार को, एक अधिकारी जो पढ़ लिख कर उस पद पर आकर बैठा है, जो सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडे, अपराध पर तो ना ही बोले ज्यादा बेहतर होगा, प्रयागराज को तो इन्होंने अपराध का गढ़ बना रखा है। ठीक है, और जो बात और भी आरोपों की हो रही थी कि ये वो, तो मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा, एक बार जो आजम साहब के एक सबसे बड़ा प्रोपेगंडा उठ के आता, आजम साहब के जो काम देखते हैं शानू जी, उनके प्रवक्ता कहे जाते हैं, उनके एक बयान से ये सारी चीजें यहाँ पर आनी शुरू हुई। उसके बाद उनके परिवार का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, फिर भी ये मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। आप चलाइए, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कुछ लोगों को कि जाइए आप पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तोड़िए, वहां आग लगाइए, वहां आगजनी करिए, उसके बाद उन लोगों को तोड़ फोड़ कर आइए, हम आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे। 19 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग होनी थी 19 अप्रैल को, लेकिन 19 अप्रैल को उन लोगों की ज्वाइनिंग हो नहीं पाई। अच्छा, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मन का काम ही नहीं किया है। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के मन का काम करेंगे नहीं, अपने घर में तोड़ भांज करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनको लेने से रही। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना जो अपना घर तोड़ते हैं और दूसरों का घर तोड़वाते हैं। हमारा गठबंधन RLD के साथ है, हमारा गठबंधन राजभर जी की पार्टी के साथ है, हमारा गठबंधन पल्लवी पटेल जी की पार्टी के साथ है, हमारा गठबंधन महान दल के साथ है, जिनके भी साथ है, सारे गठबंधन के लोग एक साथ हैं, एक राय होकर विधानसभा में अपना जो भी कार्यक्रम होते सब लोग मिलकर करते हैं। तो ये एकाध लोग जो भाग रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन पर एक डर है कि उनके घर ना बुलडोजर चल जाए, उनके रिश्तेदारों के घर ना बुलडोजर चल जाए। यहाँ पर आजम खान के लिए क्या करने वाले हैं? चिट्ठी चलती रहेंगी कि समाजवादी पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई आंदोलन करेगी? आजम खान के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया से जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, समाजवादी पार्टी एक बार मिलने गए केवल अखिलेश जी आजम खान से, दोबारा मिलने नहीं गए। आपको बता दूं, अभी संजय लाठर भी वहां पर गए थे तो वो आजम खान ने वहां से मुलाकात करने से मना कर दिया। क्या संकेत मानते हैं इसको भाई? देखिए, अब मिल पाए ये तो बेहतर आजम साहब ही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं मिले। ठीक है, और क्योंकि भाई अंदर से आदेश आ गया कि आजम साहब अभी नहीं मिल पाएंगे, वो सो रहे हैं। मेहरोत्रा जी मिलने गए थे, लखनऊ सेंट्रल के विधायक हैं माननीय रविदास मेहरोत्रा जी गए थे, तो उनसे बताया गया कि आजम साहब अभी सो रहे हैं, मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अब आजम साहब ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की, ये बेहतर आजम खान साहब ही बता पाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो भी न्यायिक, और इससे ये आज की, ये पिछले एक हफ्ते से ही आजम साहब की जो चर्चा चल रही है, इसके पहले भी, चुनावों से पहले भी चर्चा उठी कि आजम साहब का परिवार नाराज है, आजम साहब नाराज है, समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, उन पर मुकदमा लगवाने वाली कांग्रेस में जा रहे हैं, हैदराबादी बिरयानी की पार्टी में जा रहे हैं। वो उनके परिवार ने बयान देकर साफ उन्होंने कहा, माननीय विधायक अब्दुल्ला, संजय लाठर भी गए थे और सरजिल इस्लाम के पास भी संजय लाठर गए थे कमेटी बना के, क्योंकि उनका पेट्रोल पंप तोड़ा जाता, उनका जो वो उनके जो कब थे, उनके प्रतिष्ठान थे, वहाँ पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो संजय लाठर से सरजिल इस्लाम ने मिलने के मना कर दिया। क्या मानते हैं कि अब जो जो सपा का जो दल जाता है, प्रतिनिधि दल जाता है, उसको भी सपा के विधायक मिलने से मना कर रहे हैं? क्या मानते, क्या संकेत मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले की भावना से काम कर रही है, अगर आप सपा के विपक्ष के नेताओं के साथ करें, और वहीं लखनऊ में जब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर गिराने के लिए नगर निगम की टीम पहुंचती है, तो क्षेत्रीय विधायक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पेपर की कमी के कारण नगर निगम की टीम वापस जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी भी नेता के प्रतिष्ठान को अगर तोड़ने नगर निगम जाता है या जिला पंचायत की टीम जाती है, तो वहां पर उन लोगों का प्रतिष्ठान बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जब कोई पेपर की कमी नहीं होती। तो बदले की भावना से काम हो रहा है। माननीय सरजील इमाम साहब ने संजय लाठर साहब से क्यों मुलाकात नहीं की, तो भाई देखिए, जब वो मिलते तो वो बताते कि हाँ, मिल के बता देते कि हम जाइए, हम आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते। कोई सपा का नेता वहां नहीं पहुंचा,
वो अकेले रहे, जो जो टीम गई वहां पर गई थी उनसे उलझते रहे, अकेले उन विरोध करते रहे, पर कोई सपा का नेता वहां नहीं पहुंचा उनकी सहायता के लिए। सर जी इस्लाम का बयान आया है। ठीक है सर जी, इस्लाम साहब माननीय विधायक है, एक विधानसभा के विधायक है, वो पूर्व विधायक नहीं है। उनके पास अपनी एक टीम है, उनके अपने लोग हैं, और भाई वो चुनाव जीते हैं, उनके अपने लोगों ने जितवाया है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितवाया है, और जो गठबंधन के साथी उन लोगों ने मिलकर उनको चुनाव जितवाया है। तो ये आरोप उनका मनगढ़ंत है, वो अपना जो भी उनके दिमाग में आया वो बोला होगा। हो सकता है भाई, अब इतनी बुरी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वो अभी ऐसी स्थिति में ना होंगे कि भाई मिलेंगे, भाई वो इस्तीफा भी देते कि हम विधायक नहीं रहेंगे, बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ। रामनवास जी जवाब लेते हैं। रामनवास जी, आपने पूरी बातें सुनी, उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है, इसी के चलते लगातार बुलडोर चल रहा है और आजम खान जेल में बंद है। गौरव जी, समाजवादी पार्टी कभी उम्मीद नहीं थी उत्तर प्रदेश योगी जी ऐसी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश का सारा अपराधी सारा माफिया इन्हीं साथ था उन्हीं, क्योंकि पूरी सरकार ही अपराधियों माफियाओं ने चलाया, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकारा। और आप समझिए कि 2014 से नकारना शुरू किया, 2014 नकारा, फिर 17 नकारा, फिर 19 नकारा और 22 नकारा इनको। तो जब इनके नेता पे, इनके नेताओं पर उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास ही नहीं है, और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है, तो आज जो हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जनता खुश है। हम तो जो भी अपराधी अपराध करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, अब चाहे उसको कहने को बदले की भावना कहे या छुपे हुए उनका संरक्षण करना कहे, ये क्योंकि ये तो जो अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का करता है। पर रामनवास जी, ये तो भी कह रहा है कि लाजमी है जी, और इसकी तकलीफ कम नहीं होने वाली है जी, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर चलता रहेगा अपराधियों पे और इनको दर्द होता रहेगा जी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी से आज जो अच्छे नेता है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, खुद सबको पता है कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, जो भी इससे टूट जाएगा वो बच जाएगा, बाकी जो बचा रहेगा वो इसी में डूब जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी में गड़बड़ है, अखिलेश यादव जी परेशान है, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश जनता ने हमको नकारा है, अब हमारे कार्यकर्ता भी हमको नकार रहे हैं, हमको छोड़ के चले जाएंगे। चलिए, जो लगातार छोड़ने का सिलसिला जारी है जी। सत्यजीत जी, अभी मयंक यादव का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि एक सीट ही के लायक है और वोट बैंक 2019 चुनाव का देख ले, इसलिए एक सीट के लायक थे और जो जिसके लायक थे से उनके सीट दी गई, क्या मानते हैं? बड़ा बयान दिया उन्होंने प्रस्पा पर, इन्होंने कहा कि परसेंटेज हमारा कम था। हाँ। तो एक चीज ये बताएं कि पल्लवी पटेल का परसेंटेज कितना था, क्या आंकड़े इनके पास है? 8.79% मेरा, 85.79 मेरा था, 3.2 भी नहीं पा पाई थी। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से इनको देना था तो क्या पल्लवी पटेल के बराबर भी नहीं देना था? गौर करने वाली बात है। और रही बात ये कि जब इनका थर्मामीटर और इनका तराजू ही गलत है, जिसमें नाप तोल करते हैं, कहीं आजम को गलत तरीके से नाप देते हैं, कहीं कहीं अजी को रहमान वर्ग को गलत तरीके से नाप देते हैं, कहीं हरिओम यादव को गलत तरीके से नाप देते हैं, हम तो कहते हैं इनके घर, हमारे घर के ही अपर्णा यादव को गलत तरीके से नाप देते हैं, सचिन इस्लाम को गलत तरीके से नाप देते हैं, तो ये अपने थर्मामीटर को बदलें, जो इनका पैमाना है नापने का उसको बदलें, बेहतर परिणाम आएगा। मेरा अपना मानना यह है कि जो भी नापने का थर्मामीटर है वो गलत तरीके से नाप रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, जब तक कोर कमेटी में अनुभवी लोगों को माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं रखेंगे, तब तक समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी का कायाकल्प नहीं होगा। 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में भी हारे। फिर एक बात कहूंगा सौरभ जी, कि माननीय शिवपाल सिंह यादव वो शख्स है जिन्होंने चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने मिलकर के चार बार उत्तर प्रदेश की हुकूमत संभाली है। लेकिन 2012 से जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को अलग कर दिया गया तो चार बार आदरणीय अखिलेश यादव चुनाव हार चुके। एक तरफ कहते हैं कि जिस काबिल था उतना सीट दी गई,
तो आदरणीय सुखपाल सिंह यादव तो चार बार मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की हुकूमत में शामिल है और चार बार आप चुनाव हार गए, आजम खां के लिए बात हो रही है तो क्या मानते हैं कि प्रसपा की तरफ से या शिवपाल सिंह यादव की तरफ से आजम खां की रिहाई के लिए कुछ प्रयास किया जाएगा, क्या गुजारिश की जाएगी, बात की जाएगी? जी मेरा अपना मानना ये है कि आजम खां बहुत बड़े नेता हैं, वो 10 बार उत्तर प्रदेश के विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कई बार वो मंत्री रह चुके हैं, बड़े मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, कई कई पोर्टफोलियो था उनके पास, राज्यसभा में वो रह चुके हैं, लोकसभा में वो रह चुके हैं, तो उनके ऊपर जो है जो भी आरोप लगे थे, हमें हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि अगर आदरणीय सुखपाल सिंह यादव का चलता तो दौर भी था, आप याद कीजिए जब बोल मुलायम हल्ला बोल करके हम लोग कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ते थे, जहां भी गलत सरकारें काम करती थी वहां पे हम लोग बोल मुलायम हल्ला बोल के नारे के साथ उसका विरोध करते थे। आज क्या वजह हो गई कि समाजवादी पार्टी के नेता सुप्तावस्था में चले गए हैं, क्या वजह हो गई कि वो धार नहीं रह गई है, क्या वजह रह गई है कि वो आप मुद्दे उठाने की क्षमता खो चुके हैं? आखिर कुछ तो कारण होगा, अगर यही रहा तो विपक्ष को फिर से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एक होने के लिए कोई ना कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। अब पुराने लोगों को, आजम खान जैसे लोगों को, आदरणीय सुखपाल सिंह यादव जैसे लोगों को आगे आना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष में हम खड़े हो सकते हैं। और अब सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है कि हम सिर्फ नारेबाजी करके और ट्विटर के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल काम कर ले जाए, ऐसा होने वाला सड़क उतरना होगा, सड़क से उतरना होगा, सदन से सड़क तक प्रसपा उतरेगी, प्रसपा उतरेगी कि नहीं उतरेगी, प्रसपा उतरेगी। देखिए हम तो खाली रायता फैलाएंगे, ये खामोश है, अच्छा, लेकिन हमारी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। और फिर मैं कहूंगा एक शायरी के माध्यम से, हमारे अंकुर भाई हंस रहे हैं, हकीकत में खामोशी कभी भी चुप नहीं रहती, चलिए कभी तुम गौर से सुनना बहुत किस्से सुनाती है, तो अभी बहुत किस्से सुनाएंगे हम और बहुत कुछ करेंगे। अंकुर भाई हंस रहे हैं आपकी बात पर। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी के लिए और उत्तर प्रदेश के भले के लिए जो कुछ भी करना होगा आदरणीय सुखपाल सिंह यादव जी करेंगे। और फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा एक मिनट हमें समय दीजिए सौरभ जी, फिर मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए ही आदरणीय सुखपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव को अपना नेता माना था, सब कुछ कुर्बानी देकर और कहा कि हमने अपना नेता माना, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव ने आदरणीय सुखपाल सिंह यादव को तवज्जो नहीं दी। अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, बीजेपी में जाएंगे क्या? फिर मैं बोलूंगा, दो लाइन में मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, तो बुरा दो अगर बे कोई जिल्लत से समझता, इज्जत से दो बूंद मिल जाए तो काफी, दो बूंद इज्जत की मिल गई होती तो आज शायद ये दशा समाजवादी पार्टी की ना होती। हमें तो इज्जत की दो बूंद चाहिए थी, हम तो एक सीट से तैयार थे, हम तो आपको अपना नेता मान लिए थे, हमने तो मान लिया था कि समाजवादी सरकार आए या ना आए हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से सदन तक, पर कहीं ना कहीं बैठक में ना बुलाने की टीज आज भी है, कहीं ना कहीं चीज की बात नहीं है, बात ये है कि आपको हमें केवल हम विभिन्न पदों पे रह चुके हैं, नेता विरोधी दल आदरणीय सुखपाल सिंह यादव रह चुके हैं, 25 साल वो सरकारों में रह चुके हैं, 45 साल का राजनीतिक अनुभव था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ सम्मान लेना था, और एक सम्मान भी आप ना दे पाए तो दुखद, बहुत दुखद बात था। सबसे पहले आपके नेता ही भागे थे गठबंधन से, सबसे पहले आपके नेता ही भागे थे, अनुप्रिया पल्लवी पटेल जी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। मैं आज आपको फिर बता दूं, पल्लवी जी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और वो उस विधायक दल की मीटिंग में नहीं थी, वो गठबंधन दल की मीटिंग में थी। बारी बारी ये मनगढ़ंत बातें जो आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो आप लोग बोल रहे हैं, ये करना बंद करिए, रायता कब तक फैलाते रहेंगे? तो अगर अगली डेट क्या है, 19 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी निकली है ज्वाइनिंग की भाजपा? सत्यजीत जी बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। मयंक जी बोल रहे हैं, मयंक जी को कह दीजिए चुप रहे, थोड़ा हमारी बात सुन ले जी, समय कम है। मौका दिया था सौरभ जी, मैंने पूरा मौका दिया था जी, आप हमारे पर वो तो कह रहे हैं अगली डेट कौन सी होगी ज्वाइनिंग की, 19 अप्रैल निकल गई है, अगली डेट पूछ रहे हैं शिवपाल जी कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी। यही दुख है सौरभ जी, ये लोगों को भगाते हैं, लोगों को बुलाते नहीं,
लोगों से तारीख पूछते हैं कब जाएंगे। अरे भाई साहब, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात तो आपकी हुई। आदरणीय चाचा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात किसकी? भाई जयंत जी ने मुलाकात नहीं कर ली? जयंत जी के पास तो 8 विधायक हैं, जयंत जी भी मुलाकात कर सकते थे, नहीं की? धोखेबाजी क्यों? गठबंधन दल होने के साथ धोखेबाजी क्यों? लेकिन दुर्भाग्य है कि इन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दिया। इन्होंने वो दुर्दशा की कि हमने अपनी पार्टी की कुर्बानी देने के बाद भी जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं किया। चलिए चलिए, अंकुर भाई बहुत देर से हंस रहे हैं, उनके उनके उनका भी भाई बयान ले लें। अंकुर भाई काफी काफी समय बाद बहुत मुस्कुरा रहा है सत्यजीत जी की बात पर, बताइए क्या कहना चाहेंगे? सत्यजीत जी जो बोलेंगे उनके नाम ही में सत्य और जीत है, तो जो बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। जैसे उनने अपनी बात में ये बात कही कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं बहुत आगे निकल, मतलब उन जैसे वरिष्ठ हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वरिष्ठता का हम सब लोग सम्मान करते हैं और उनका जो भी डिसीजन होगा वो स्वयं निर्णय में लेने में समर्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना चाहते हुए भी इस विषय पे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना सत्यजीत जी ने रोचक बात कह दी है कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सम्मान का मापदंड नहीं तय कर पाते हैं, हम लोग पैमाना नहीं तय कर पाते और आगे इतना निकल जाते हैं कि बॉर्डर लाइन क्रॉस करके हमें जिनके साथ नहीं चलना है उनके साथ गलवैया भी करने लगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश हारे हुए विधायक और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि माननीय शिवपाल यादव जी का कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। है तो ऐसी स्थिति में जब उन जैसे मुख्यमंत्री, आप सोचिए उस परिवार की आप बात करिए, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कीजिए जिसके आप आज माननीय विधायक हैं, जहां पे आपको भरपूर सम्मान मिला है, उस आप उसको बात छोड़ के आप उस जगह के लिए बात की हमें आवेदन नहीं प्राप्त हुए। देखिए अपना घर छोटा होगा लेकिन आप यहाँ राजा बन के बैठेंगे, परिवार में डिस्प्यूट हो सकता है लेकिन कोई भी अपना मारेगा आपको छांव में डालेगा, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिला है, बैठक में नहीं बुलाया गया, एक सीट दी गई, सम्मान मिलता तो दिक्कत ना होती। नहीं, इसका 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 मैं जवाब देना चाहता हूँ, समाजवादी भाई साहब सत्यजीत जी को मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि बैठक में ना बुलाने का, जहाँ तक देखिए मैंने आपकी बात सुनी, आप भी सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये, चलिए सत्यजीत भैया बात सुनिए, बैठक में आपको ना बुलाने या सत्यजीत जी कुछ भड़काना चाह रहे हैं हमारे आरंडली के साथी को, भड़का लेने दीजिए भाई को भी। रामनिवास जी हमें जुड़े, रामनिवास जी मयंक का कहना है कि बीजेपी के सहारे पर प्रसपा काम कर रही है, फाइनल कमेंट। सर गौरव सर, हमारा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी, तो छोटा सवाल है, बोले बोले। कि ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की सजाती विधायिका पर कार्रवाई कब होगी, और लखनऊ में जिस भाजपा नेता का घर गिरना था भाजपा के ही विधायक ने जाकर रुकवा लिया, उन पर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी कब करेंगे? सवाल सारे पे सारा काम करते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी बोले हैं बीजेपी प्रवक्ता रामबेवरा सियारो जी। फिलहाल मुद्दा यहाँ पर यह था कि आजम खां और आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। तो मुद्दा यहाँ पर था आजम खां के लिए जो रिहाई का दौर है वो जारी है, पहले बयान हुए उसके बाद इस्तीफे हुए, इस्तीफे के बाद अब चिट्ठी का दौर शुरू हो गया है। और आजम खां की अगर बात करें तो पहले राजनीति चलते, बाद में मुकदमों के चलते, और अब चिट्ठियों और इस्तीफों के दौर के चलते चर्चा बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बुलडोजर भी है और लाउडस्पीकर भी है और अब आजम खां की रिहाई भी है। खैर भविष्य में आजम खां की रिहाई के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या वहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे, और आने वाले समय में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के संबंध कैसे रहते हैं? अभी तो फिलहाल खटाई चल रही संबंधों में, क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी में बड़ा बयान दे चुके, उन्होंने कहा है कि बीजेपी से जाने में देर क्यों कर रहा है, बीजेपी उनको इतनी देर से क्यों बुला रही है, जल्दी बीजेपी में जाएं। तो यहां जो सियासी गणित है वो कुछ ना कुछ उलझा हुआ है और आने वाले समय में ये सियासी गणित 2024 के चुनाव को लेकर और उलझने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।